जान बापी मस्जिद सर्वे के लिए एसआई की टीम वाराणसी पहुंच चुकी है और मंदिर में एक एक करके उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। मस्जिद कैंपस में और मंदिर कैंपस में 5-6 की संख्या में अभी तक पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे और भी टीम के मेंबर्स जो करीब 30 की संख्या में वो आ रहे हैं। इस समय हम मंदिर के कॉरिडोर के बाहर खड़े हुए हैं, यही वो रास्ता है जहाँ से वो टीम अंदर जा रही है। अभी सीपी पहुंचे हैं, पूरे आ चुके हैं। सावन का सोमवार है इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और एएसआई सर्वे के बाबत भी बहुत ही ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी एएसआई की टीम मेंबर से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, माने कि कोई बात नहीं कर पा रहा। और ये पूरी आज जो सर्वे होगा वो सील्ड एरिया यानी वजू खाना, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सील किया हुआ है, करवाया हुआ है, उसको छोड़कर ये सर्वे कराया जाएगा और इसमें ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या वास्तव में था ये मस्जिद, यहाँ पर मस्जिद मंदिर था और मस्जिद बाद में उस पर बनाई गई। इन सब को लेकर आज पूरी टीम यहाँ पर आई है। दो तीन दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पर एएसआई सर्वे कराने को इजाज़त दी थी। ये देखिए अभी कमिश्नर कौशल राज शर्मा भी यहाँ पहुँच गए हैं और ये लगातार अधिकारियों का धीरे एक एक करके पहुँचना यहाँ पर जारी है। जैसे जैसे करीब 7 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन धीरे धीरे करके अधिकारी और एसआई टीम के मेंबर्स यहां पहुंच रहे हैं। अब ये तो पता चल पाएगा कि क्या वास्तव में होने वाला है यहां पर, और भी धीरे धीरे करके यहां पे जो मुस्लिम पक्ष के और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो भी पहुंच गए हैं और वादिनिया भी पहुंच चुकी हैं। ये तो बाद में पता चल पाएगा कि एएसआई सर्वे में क्या होता है, एएसआई की टीम जब निकलेगी तब उनसे बातचीत पर मालूम चलेगा कि क्या वो बता पाते हैं और क्या बात करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि एएसआई सर्वे अब शुरू हो गया है और थोड़ी देर में इसके कुछ बातें भी बाहर निकलकर सामने आने लगेगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया।